हम करते हैं, के अंदर. काफी पूछता है इसको लगभग लगभग हर ऑल्टरनेटिव अटैम में एजुकेशन इंस्टीट्यून से क्वेश्चन आता है इधर फोर मार्क का क्वेश्चन कभी कभी नाइन मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी एट मार्क्स की ध्यान से समझना इस पूरे वीडियो को देखने के बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको कभी भी कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी ठीक है सवाल आता है सबसे पहले कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता क्या है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तीन तरह के बॉडीज को कवर किया हुआ है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे पहले स्कूल को स्कूल चाहे वो बच्चों का स्कूल हो किड्स स्कूल हो चाहे प्राइमरी स्कूल हो चाहे ट्वेल्थ तक का स्कूल हो हायर सेकेंडरी स्कूल हो मैटर सेकेंड आता है कोर्स रिकोगनाइज बाय इंडियन लॉ जैसे सी ए सी एस सी एम ए बीकॉम एम कॉम बी टेक जो इंडियन लॉ से रिकनाइज है किसी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है सी एफ ए नहीं आता ठीक है अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज तीसरा होता है अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज का मतलब क्या होता है जैसे गवर्नमेंट कई लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जैसे आईटीआई ट्रेनिंग अगर आपने सुना होगा कुछ अप्रूव्ड कोर्सेज होते हैं जो लोगों को सिखाया जाता है जिससे वो अपनी डेली रूटीन के कुछ काम कर लें जैसे आई आई में क्या होता है मशीन कैसे चालू करनी है बंद करनी है वो सिखा दिया अब आप रिपीटेटिव बेसिस पे वो काम कर रहे हो जिससे आप अपना कुछ ब्रेड एंड बटर आपका चलता रहे तो इस तरह की चीजें होती हैं तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या है कि अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी भी स्टूडेंट फैकल्टी या स्टाफ को कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी स्टूडेंट फैकल्टी या स्टाफ को कोई सी भी सर्विस देगा तो एग्जाम है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है सिर्फ ये तीन स्कूल कोर्सेज रिकनाइज बाई लॉ और अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज ये तीनों ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आते हैं इनके अलावा कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं आता जैसे कोचिंग प्रोवाइड करवाना ये कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है तो अगर कोई सा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी भी स्टूडेंट फैकल्टी या स्टाफ को कोई सी भी सर्विस देता है वो एग्जाम है ठीक है अभी वो स्कूल की फीस हो गई कॉलेज की फीस हो गई ठीक है स्कूल वाला अपनी बस दे रहा है या कॉलेज की खुद की बसेज है है ना मार्क वर्ड्स कॉलेज की खुद की बसेज है और कॉलेज अपनी बसेज की सर्विस दे रहा है या कोई ट्रेनिंग के लिए पैसे ले रहा है बच्चों से कुछ भी मतलब एनी मान के चलो कि स्कूल वाला है या कॉलेज वाला है या प्रूड वोकेशनल कोर्सेज वाला है वो अपनी फैकल्टीज के से पैसा ले रहा है ट्रेनिंग करवाने के लिए तो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को आप कोई सी भी सर्विस दोगे एनी सर्विसेज वो है पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिर्फ सर्विसेज देता ही नहीं है बहुत तरह की सर्विसेज लेता भी है वन साइडेड थोड़ी चलेगी जैसे आप जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल को आप फीस दे रहे हो वो तो ठीक है अब स्कूल भी तो बहुत तरह की सर्विसेज लेता था स्कूल चलाने के लिए सिर्फ देने देने से थोड़ी होगा जैसे स्कूल में वो स्वीपर भैया भी होते थे है ना बाई जी भी होती थी जो छोटे छोटे बच्चों का काम संभालती थी सिक्योरिटी गार्ड भी रहता था स्कूल में कैंटीन भी रहता था बहुत तरह की सर्विसेज थी ठीक है स्कूल क्वेश्चन पेपर भी प्रिंट करवाता होगा अब जैसे इनसे आईसीआई एक कोर्स रिकग्नाइज बाई लॉ में आता है इंडियन लॉ से रिकॉग्नाइज है है आईसीआई ठीक सेट अप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अब आईसीआई को तो हम पैसा दे रहे हैं ठीक है आईसीआई हमें सर्विसेज दे रहा है सर्विस हम क्या कर रहे हैं जीएमसीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट हमें सर्विस दे रहा है एग्जाम कोई सी भी सर्विस देगा एग्जाम पर इंस्टीट्यूट बहुत तरह की सर्विस लेता भी होगा कौन सी सर्विस लेता होगा इंस्टीट्यूट जैसे आपके एग्जाम हो रहे हैं है ना सेंटर बुक करा है पूरा बहुत तरह की सर्विस लेता है इंस्टीट्यूट तो अभी आप ध्यान से देखना इनसे कोई सा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत तरह की सर्विसेज लेता भी है सर्विसेज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी मेनली पांच तरह की सर्विसेज लेते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ देखो बसेस की सर्विसेज लेता है एजुकेशन स्पेशली कॉलेज होते हैं स्कूल स्कूल हो गए तो बसेज की सर्विसेज लेते हैं किसी थर्ड पार्टी से केटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील खाने की सर्विसेज लेते हैं ठीक है सिक्योरिटी इन हाउस कीपिंग किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमें कोई इतने गार्ड प्रोवाइड करो या फिर हमने गार्ड वगैरह की सर्विस लेते हैं हाउस कीपिंग की सर्विस लेते हैं साफ सफाई की सर्विस लेते हैं कंडक्ट ऑफ एग्जाम की सर्विस लेते हैं जैसे इंस्टीट्यूट रेंट पे पूरा का पूरा स्कूल हायर कर लेता है ऑनलाइन एजुकेशन जनरल तो मेनली पांच तरह की सर्विसेज हैं जो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेता है अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई सी भी सर्विसेज देता है सर्विसेज बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ठीक है यहाँ पे टू वर्ड लिखा हुआ है

टू एजुकेशन बोलू होंगी फॉर एग्जाम्पल स्कूल ने क्या किया दस बसेस देगा बसेस का वो एग्जाम के लिए हैं पहली तीन अगर कॉलेज लेगा तो टैक्सेबल है मान के चलो कोई AKG कॉलेज है वो कोई यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है मतलब इंडियन लॉ से तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आता है अभी उसने बसेस की सर्विसेज ली किसी थर्ड पार्टी से और उसको जो वो पैसा देगा ना वो टैक्सेबल है पर इमेजिन करो कि ए के जी कॉलेज की खुद की बसेज हैं मैंने खुद की बसेस चला रखी हैं किसी से ले, लेता ही नहीं मैं बड़ा कॉलेज है मैंने कहा छोड़ो इत, पांच हजार बच्चे पढ़ रहे हैं खुद की बसेज ही चलवाते हैं और मैं अब बच्चों से पैसा ले रहा हूँ खुद की बसेज है किसी से तो मैं सर्विस ले नहीं रहा बच्चे मुझे पैसा दे रहे हैं ठीक है वो एग्जेट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई सी सर्विस देगा स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को वो एग्जाम है

कोई स्कूल है आप जिस भी स्कूल में पढ़े हो उसका नाम इमेजिन करो और सोचो कि आपका एनुअल डे का फंक्शन है वो स्कूल में नहीं है किसी आपके शहर के सबसे अच्छे ऑडिटोरियम के, के अंदर एनुअल डे का फंक्शन है अभी ऑडिटोरियम के अंदर बॉडी गार्ड वगैरह भी चाहिए ठीक है बाउंसर्स चाहिए या फिर नॉर्मल गार्ड चाहिए सिक्योरिटी के लिए हाउस कीपिंग के लिए साफ सफाई के लिए, लिए लोग चाहिए वो आपके स्कूल में हायर करे तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी और हाउस कीपिंग स्कूल के अंदर होगा

देखो तो ये क्राइटेरिया कैसे सेट हुआ तो गवर्नमेंट ने बोला देखो जो जिसके लिए मोस्ट असेंशियल है सर्विसेज टू की बात कर रहे हैं सर्विसेज स्टूडेंट कोई सा भी एजुकेशन साजुकेशन स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई सी भी सर्विस देगा वो तो एग्जाम पर तो चर्चा ही क्यों करनी है सर्विसेज टू की बात कर रहे हैं तो असेंशियल इन्होंने देखा तो बोला यार स्कूल के लिए तो बहुत जरूरी है बस की सर्विसेज ठीक है स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टी के लिए स्टाफ के लिए अभी मैम ही बस में आएगी मैम जब बस में आएगी मैम के लिए भी एग्जाम करा तभी तो बच्चे स्कूल में आएंगे बस में ठीक है तो चाहे स्टूडेंट बस में मैम आए चाहे बच्चे आए चाहे स्टाफ आए ठीक है तो बस में कौन बैठ कर रहा है स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ और स्कूल ने बस की सर्विस किसी और से ली तो जो थर्ड पार्टी को स्कूल पेमेंट कर रहा है बस के लिए वो एग्जाम हो जाएगा पर कॉलेज के लिए नहीं तब इन्होंने क्या बोला देखो यार स्कूल की सर्विस बस के लिए बहुत जरूरी है खाने की भी जरूरी है सिक्योरिटी के लिए बच्चों की जरूरत है जरूर जात है बच्चों से जो बड़े हो गए लाइक कोर्सेज रिकनेस बैलाओ या अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज गवर्नमेंट को लगा उनके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है अभी सी इंस्टीट्यूट जैसे आईसीआई हम लोग हैं कोर्स रखने लॉ में आते हैं अभी आईसीआई अगर सिक्योरिटी हाउस कीपिंग सर्विस लेगा तो वो टैक्सीबल है गवर्नमेंट बोलती है भाई इन बच्चों से तो इंस्टीट्यूट को डरना चाहिए है ना इन बच्चों को क्या खतरा किसी से तो इनके लिए टैक्सीबल है कंडक्ट ऑफ एग्जाम की सर्विस अभी कंडक्ट ऑफ एग्जाम की सर्विस किस किस सबसे ज्यादा जरूरत है तो आईसीआई सी आई सबसे पहले हमको जरूरत है स्कूल के लिए भी स्कूल ने भी आज तक अपन से एग्जाम ही करवाए तो स्कूल के लिए भी वो एग्जाम

अच्छा स्टूडेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट का मतलब ये होता है चाहे वो करंट स्टूडेंट हो चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो चाहे वो प्रेजेंट स्टूडेंट हो चाहे वो फ्यूचर स्टूडेंट हो डजेंट मैटर जैसे सपोज करो आप स्कूल में एडमिशन फॉर्म जमा कराने गए नया नया बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो आप इसको क्या बोलोगे होता ना कि टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए एंट्रेंस फॉर्म लिया आपसे वो भी एक्जाम है भले ही वो अभी स्टूडेंट नहीं है लेकिन फ्यूचर में तो बनेगा या फिर कोई एक्स स्टूडेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने गया और स्कूल ने हजार रुपये चार्ज करे टीसी देने के लिए चार्ज करे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के चार्ज करे तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर स्कूल स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस देगा तो ही है तो ये तो ये स्टूडेंट था एक्स भी स्टूडेंट ही तो है एक्स हो क्या हुआ सॉफ्ट तो हार्ट तो रहना ही, रहता ही है ठीक है तो चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो तो भी वो क्या है वो रहेगा समझ में आया आपको तो ये पूरी की पूरी टेबल बता रखी है कि देखो स्कूल के लिए ये चारों एग्जाम है चारों में पहली तीन तो एक्सक्लूसिव स्कूल की थी चौथी वाली कंडक्टिव एग्जाम कोर्स के लिए दोनों एग्जाम और अप्रूव वोकेशन कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है ठीक है है अभी एक क्वेश्चन भी देख लो आप जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है इस क्वेश्चन नंबर के अंदर इस थीम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पे हमने बात सर्विसेज की करी है सिर्फ और सिर्फ जैसे स्कूल अगर क्या कर रहा है क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाने की सर्विस ले रहा है एग्जाम आईसीआई क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाने की सर्विस ले रहा है एग्जाम ऑफ एग्जाम आईसीआई अगर किसी पेपर सेटर को पैसा दे रहा है ऑफ एग्जाम की सर्विस ले रहा है एग्जाम पर मान के चलो कोई गुड्स परचेज कर रहा है जैसे इंस्टीट्यूट को पेपर परचेज करना है खाली पेपर ब्लैंक पेपर परचेज करना है तो पेपर गुड्स है हम यहाँ सर्विस की बात कर रहे हैं एग्जाम में गुड्स की बात नहीं कर रहे अच्छा सपोज करो सी इंस्टीट्यूट ने क्या करा किसी थर्ड पार्टी को पीडीएफ दे दी अपने क्वेश्चन पेपर की और बोला इसको प्रिंट भी आप करके दो पेपर भी आपका इंक भी आपका तो सप्लाई चैप्टर में एक सर्कुलर था याद करना प्रिंटिंग वाला तो इसके अंदर था कि अगर हम ऐसी पीडीएफ वगैरह दे देते हैं तो उसको सप्लाई सर्विस माना जाता है कंपोजिट सप्लाई तो फिर सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब पूरा का पूरा सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया तो एक्सम्ड हो गया पर अगर आप खाली गुड्स की सर्विस ले रहे हो ठीक है यहाँ पे हम पूरा का पूरा गुड्स की बात कर आ, की बात कर रहे हैं हमने गुड्स के बारे में नहीं करा अभी आपका स्कूल है सपोज करो कहीं से स्टेशनरी परचेज कर रहा है स्टेशनरी गुड्स में आ रहा है सपोज तो फिर उस पर टैक्स लगेगा हम बात सर्विसेज की कर रहे थे कि अगर आप कंडक्ट एग्जाम के लिए सर्विस ले रहे हो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हाउस कीपिंग सर्विस ठीक है अभी जैसे सेकंड वाला पॉइंट है यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं आप देख सकते हैं एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन 2500 College, बस फीस ऑफ पर मंथ कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट बाय रोज मैरी कॉलेज है सब लोग इसको करके आ जाते। ऐसा थोड़ी लिखा है कि कॉलेज ने किसी थर्ड पर्सन को किसी ट्रांसपोर्टर को पैसे दिए जो टैक्सेबल करोगे कॉलेज की खुद की बसे कॉलेज बच्चों से पैसा ले रहा है एग्जाम हो गया इसमें टैक्सेबल क्यों करना आप बच्चों के दिमाग में रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए एग्जाम भाई स्कूल अगर लेगा तो एग्जाम अगर खुद से दे रहा है तो चाहे कॉलेज दे चाहे अप्रूव वोकेशन कोर्सेज दे चाहे स्कूल दे सभी के लिए एग्जाम ठीक है थीके? अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो और, और आपको किस टॉपिक्स में वीडियो चाहिए तो बताइएगा थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर